नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। आज हम चुनावी चर्चा में केपी ट्रस्ट पर चर्चा करेंगे। केपी ट्रस्ट प्रयागराज में एक परिचित संस्था है। हालांकि केपी ट्रस्ट को एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट कहा जाता है, लेकिन प्रयागराज में हर सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग केपी ट्रस्ट के बारे में जानते हैं। केपी ट्रस्ट का चुनाव हर 5 साल में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को होता है। हर बार के चुनाव में कुछ विवाद भी होता है जो सुर्खियों में रहता है। सैकड़ों करोड़ के केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिए कायस्थ समाज के ट्रस्टी अपनी ताकत लगाते हैं। केपी ट्रस्ट में अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। केपी ट्रस्ट के चुनाव 2023 में अभी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष चौधरी राघवेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर सुशील सिन्हा मैदान में हैं। दोनों अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और चुनाव के बारे में आगे बात करने से पहले केपी ट्रस्ट का इतिहास जान लेते हैं। केपी ट्रस्ट यानी कायस्थ पाठशाला का इतिहास मुंशी काली प्रसाद से शुरू होता है। कायस्थ पाठशाला की स्थापना को मुंशी काली प्रसाद जी का सबसे बड़ा योगदान कहा जा सकता है। 1873 में उन्होंने बहादुरगंज इलाके में 7 छात्रों के साथ इस संस्था की शुरुआत की और मुंशी शिव नारायण लाल को इसका पहला शिक्षक नियुक्त किया, जिसमें बाद में कई कायस्थ समाज के सम्मानित लोगों का योगदान रहा। मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर का जन्म 3 दिसंबर 1840 को चिरीमार टीला, जिसे वर्तमान में जौनपुर के लप्टनगंज के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। मुंशी जी का विवाह जौनपुर के सिपाही मोहल्ले के बहुत प्रसिद्ध वकील मुंशी बाबूलाल की पुत्री सुशीला देवी से हुआ था। निसंतान होने के कारण उनकी पत्नी सदैव बहुत दुखी रहती थी और मुंशी काली प्रसाद द्वारा अर्जित की गई अपार चल अचल संपत्ति के समुचित उपयोग को लेकर अत्यंत चिंतित रहती थी। उन्होंने वास्तव में सुझाव दिया कि उन्हें एक बच्चा गोद लेना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह एक नहीं बल्कि हजारों बच्चों को गोद लेने जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने 1873 में कायस्थ पाठशाला की स्थापना की और 18 अक्टूबर 1886 को एक वसीयत के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी चल और अचल संपत्ति कायस्थ पाठशाला को दान कर दी। संपत्ति दान करने के बाद वह दिल्ली चले गए, जहां वह अपने एक करीबी दोस्त के साथ रहने लगे। 9 नवंबर 1886 को अपने स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान कर गए। मुंशी जी एक सच्चे लोकतंत्रवादी और महान दूरदर्शी थे। अपनी वसीयत में उन्होंने जमेते मुद्वरण यानी गवर्निंग काउंसिल के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया, जिसके माध्यम से अध्यक्ष को इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता था, जिन्हें पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से ट्रस्टी के रूप में भी जाना जाता है। चुनावों के साथ साथ सभी संस्थाओं के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए उन्होंने नियम और कानून भी बनाए, जिन्हें कायद के नाम से जाना जाता है। 1888 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कायस्थ पाठशाला को मान्यता प्रदान की, जो वर्तमान में CMP चलाती है। डिग्री कॉलेज कुलभास्कर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज कुलभास्कर कृषि इंटर कॉलेज, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, केपी ट्रेनिंग कॉलेज, केपी कॉन्वेंट स्कूल, केपी नर्सरी स्कूल, केपी यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि। कायस्थ पाठशाला के अभूतपूर्व विस्तार एवं प्रगति में मेजर DR रणजीत सिंह का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि 1904 और 1911 में उनके मिशनरी उत्साह और अथक प्रयासों के कारण तत्कालीन सरकार ने पाठशाला को भूमि का विशाल क्षेत्र हस्तांतरित कर दिया था, जिस पर ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाएं वर्तमान में कार्य कर रही हैं। मुंशी ईश्वर शरण के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान केपी की भव्य सुंदर और राजसी इमारत का निर्माण हुआ। इंटर कॉलेज की स्थापना हुई और मुंशी हरनंदन प्रसाद के कार्यकाल में कॉलेज ने 18 जनवरी 1934 को कार्य करना शुरू किया। मुंशी हरनंदन प्रसाद को डॉक्टर संपूर्णानंद छात्रावास के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। कुलभास्कर आश्रम इंटर कॉलेज की स्थापना मुंशी अंबिका प्रसाद ने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रज बिहारी सहाय के सराहनीय सहयोग से की थी, जो कुलभास्कर आश्रम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के संस्थापक प्रधानाचार्य भी थे। 1940 में काली प्रसाद जी की जन्म शताब्दी के दौरान केपी में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई इंटर कॉलेज, और इस अवसर पर मुंशी अंबिका प्रसाद ने हैदराबाद के निजाम को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। CMP डिग्री कॉलेज संस्थापक चौधरी बाबू महादेव प्रसाद एक महान दूरदर्शी परोपकारी और देशभक्त थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्तिगत ज्ञान और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने 1914 में एक प्रतिष्ठित
उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए 1,00,000 रुपए का दान दिया था। इस वसीयत का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि उनकी संपत्ति से होने वाली आय का 50% गरीबों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। वसीयत में दिए गए 1,00,000 रुपए CMP डिग्री कॉलेज की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसमें यह पैसे लगे थे, और यह कायस्थ पाठशाला के शासन के अधीन है, जो एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। KP ट्रस्ट के अध्यक्षों में शुरुआती दौर को छोड़ दिया जाए तो 1970 में चौधरी नाथ सिंह अध्यक्ष चुने गए और उनके बाद चौधरी नैनीहाल सिंह अध्यक्ष बने, चौधरी अमरनाथ सिंह, चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, KP श्रीवास्तव, TP सिंह चौधरी, राघवेंद्र नाथ सिंह अध्यक्ष पद पर रहे अपने अनुसार कायस्थ पाठशाला का विस्तार किया। वर्तमान में चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह KP ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके ही छोटे भाई चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह एक बार फिर मैदान में हैं, जिनके सामने पूर्व में अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके डॉक्टर सुशील सिन्हा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। केपी ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। शिक्षा ही नहीं, अन्य गतिविधियों में भी केपी ट्रस्ट की भूमिका रही है, जिसमें कायस्थ विधवाओं को पेंशन, KP मैरिज हॉल में कायस्थ समाज को छूट आदि शामिल हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि केपी ट्रस्ट इतनी पुरानी संस्था है, इसका एक विश्वविद्यालय होना चाहिए था, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन कार्यकारिणी ने पुराने अध्यक्षों की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया और केपी ट्रस्ट को एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाकर रख दिया। इस तरह का व्यवसायीकरण की शिक्षा की तरफ से ध्यान हट गया और संस्थान की सही देखरेख न होने के कारण उनके भवन जर्जर हालत में पड़े हैं। केपी ट्रस्ट के ही ट्रस्टी कहते हैं कि सदस्यता सरल होनी चाहिए। जहां लाखों की संख्या में कायस्थ हैं, वहां कुछ हजार न्यासी का होना कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं। वर्तमान में अभी चौधरी राघवेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर सुशील सिन्हा केपी ट्रस्ट के चुनावी मैदान में हैं। MT टॉक शो ने केपी ट्रस्ट के चुनाव में रुचि रखने वाले कुछ नेताओं की राय जानने की कोशिश की, जिसमें पहला सवाल था, केपी ट्रस्ट को लेकर कायस्थ समाज में क्या जागरूकता है या कायस्थ समाज केपी ट्रस्ट को किस तरह से लेता है। कि जवाब में कायस्थ नेताओं का कहना था, बहुत बड़ी जागरूकता है, जागरूकता देखना हो तो केपी ट्रस्ट का चुनाव आके स्वयं देखिए, ऐसा लगता है कि MP से बड़ा चुनाव है, जागरूकता बहुत है। अब यह है कि चूंकि 5 साल में एक चुनाव होता है एक बार, तो इसलिए हो सकता है आपको ज्यादा न मिल पाती हो सूचना, लेकिन जागरूकता बहुत है केपी ट्रस्ट। देखिए, प्रयागराज में करीब 2.5-3 लाख कायस्थ है, इसमें से केवल 15,000 कायस्थ ही केपी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। बाकी वहाँ ट्रस्टी बनाने में इतनी परेशानी है, ट्रस्ट बनाने में अगर कोई ट्रस्टी बनना चाहे इतनी बार दौड़ाएंगे उसको, अंत में वो थक के बैठ जाएंगे, और उनमें कोई इंटरेस्ट किसी में नहीं है कि वो कायस्थों को जोड़ें। जबकि मुंशी जी ने जो इस संस्था को बनाया था कायस्थों के भले के लिए, उनके बच्चों के भले के लिए, उनके परिवार के भले के लिए, उनकी विधवाओं के भले के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था। हमारी अशिक्षित होना ही, हमारा अनपढ़ होना ही हमारी गुलामी का मेन वजह है, और तब उन्होंने अपना सर्वस्व दान करके, मुंशी काली प्रसाद ने अपने कफन तक का पैसा दान करके इस शिक्षा के संस्थान को, जो आज एक बड़े वटवृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है, उसे एक कमरे से 7 लोगों से चालू किया था, और उनका जो दृष्टि, वो युग दृष्टा थे, वो युग पुरुष थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में प्रकाश और सवेरा जा सकता है। कायस्थ समाज में केपी ट्रस्ट के प्रति भावुकता भी है, प्राथमिकता भी है, और उसके प्रति सम्मान भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कायस्थों के वर्चस्व की जो एक लड़ाई है, कायस्थों का जो एक वर्चस्व है, उसको एकजुट बनाना, उसको एक साथ खड़ा करना, और कायस्थों के, स्पेशली कायस्थों के वर्गों को ये बताना कि ये जो ट्रस्ट है इसके थ्रू, इसके द्वारा कायस्थों का भला हो सकता है, कायस्थों का हित हो सकता है, और साथ ही साथ जो कायस्थ ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो हमारे भाई बहन लोग निर्धन हैं, पैसे की कमी है, इनको कहीं ना कहीं एक आसरा चाहिए रोजगार का, व्यवसाय का, इनके लिए स्कूल कॉलेजेस हैं, तो इन सबको मिला करके
केपी ट्रस्ट या काली प्रसाद मुंशी काली प्रसाद जी का ये ट्रस्ट है, ये कायस्थों के लिए एक उम्मीद की किरण है। दूसरा सवाल, क्या कायस्थ पाठशाला अपने उद्देश्यों में खरा उतरा या रास्ता भटक गया या आप व्यवसायिक हो गया है, कि उत्तर में नेताओं का क्या जवाब था, आप ही सुनिए। रास्ता भटक गया और भटकाने वाले लोग पिछले 42-45 साल से वहाँ वैसे बैठे हुए हैं कि कभी एक अध्यक्ष हो जाता है तो दूसरा उपाध्यक्ष हो जाता है, फिर उपाध्यक्ष वाला फिर अध्यक्ष हो जाता है, अध्यक्ष वाला फिर उपाध्यक्ष हो जाता है, यही सब चल रहा है। अब जो अध्यक्ष चुन के जाता है जनता चुनती है, उसकी जो समझ में आता है करता है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। जहां तक मेरा विचार है, पहले के अपेक्षा अभी आधुनिकीकरण होने के नाते, समाज बदलने के कारण, सभी चीजें कंप्यूटराइज होने के कारण, ये मैं मान सकता हूं कि इस मशीनी युग में कुछ कामकाज मशीनीकरण हो गया हो, कंप्यूटराइज्ड हो गया हो, लेकिन जो उसका उद्देश्य पहले था वही उद्देश्य आज भी है। शुरू में जो कायस्थ पाठशाला का उद्देश्य था, आज हमारे 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये इसकी बागडोर बहुत गलत हाथों में चली गई। सही माने में तो कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट एक ऐसे उद्देश्य से बना था कि इसका व्यवसायीकरण ना हो, क्योंकि हमारे मनीषियों ने 1,00,000 रुपये कायस्थ पाठशाला को दिया था, तो 50,000 BHU को भी दिया था। BHU ने व्यवसायीकरण नहीं किया, उन्होंने जो वहाँ से लोग पढ़ते थे, IAS होते थे, PCS होते थे, मंत्री होते थे, वही उस पर जो है दान करते थे, राजा वगैरह दान करते थे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम धीरे धीरे व्यवसायीकरण करते चले गए। आज वही व्यवसायीकरण, आज उसके ज़मीन, आज इसकी जो व्यवसायीकरण की वजह शादी घर, आज इसकी कीमती ज़मीनें जो दान और भीख और तमामों तरह से प्राप्त हुई थी, जो शिक्षा के उद्देश्य से थी, आज विमुख हो चुकी है। एक अन्य सवाल, आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग अपने वर्चस्व की समाप्ति के डर से कायस्थ पाठशाला की सदस्यता को सरल नहीं कर रहे हैं, जबकि लाखों की संख्या में कायस्थ और केवल 32,000 वोटर हैं, कि जवाब में क्या बताया? इस प्रक्रिया में सरलीकरण की प्रक्रिया से मैं सहमत हूँ, होना भी चाहिए। असल में होता क्या है कि एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जब से इसकी स्थापना हुई केपी ट्रस्ट है, और तब से लेकर के आज तक की डेट में, आज तक के समय में जितने भी मेंबर्स बने, उनमें से काफ़ी मेंबर्स, काफ़ी सदस्य बाहर चले गए, अब्रॉड इंडिया चले गए, कोई कहीं चला गया, किसी की नौकरी चाकरी लग गई, और तमाम कायस्थ समाज के परिवार के लोग जो है इस दुनिया में अब नहीं है। तो उनका नियमितीकरण, उनका रेगुलाइजेशन जो है एज ए लिस्ट में, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो लिस्ट प्रक्रिया है वो अभी भी काफ़ी कठिन है, उसको और सरल होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श चल रहा है, और उम्मीद ये है कि अब जल्द ही एक मीटिंग में एक फैसला लिया जाएगा कि इसको और सरल कर दिया जाए। ऐसा है कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, और लोग अपने हिसाब से प्राइवेट ट्रस्ट को चलाते आए हैं। डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल का अगर आपने पढ़ा हो, ये प्रबंध तंत्र की गांव में जो कमेटियां हैं, स्कूल हैं, विद्यालय हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि चुनाव को लोग कैसे अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। जब चुनाव होता है तो 2,000 लोगों को एक साथ वो मेंबर बना दिया जाता है कि वो उनको वोट देंगे, क्योंकि उनका पैसा भी वही लोग ज़्यादातर जमा करते हैं, तो उनको लगता है कि वो तो बिक गए हैं, उनसे पैसा जमा किया है तो वही उन्हीं को वोट देंगे, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कायस्थ सजग है, जागरूक होता है, पढ़ा लिखा होता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस संस्था को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आपको बताऊं, मुंशी काली प्रसाद जी ने जो नियम बनाए थे, इतने सरल नियम थे, 200 उस टाइम में 100 रुपये दे के आप यदि खाटी मतलब कायस्थ हैं तो आप इसकी सदस्यता आसानी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आज जो है वो सदस्यता अगर डिजिटल हो जाए, अगर ऑनलाइन हो जाए, तो हमारे विदेश में भी जो सदस्य बैठे हुए हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बार कायस्थ बदलाव करेगा
या चौधरी परिवार पर फिर से भरोसा दिखाएगा। देखिए, ये जो ट्रस्ट इस टाइम ट्रस्ट की स्थिति है, वो हम आप बताएं 31,204 टोटल मेंबर हैं। बहुत से मेंबर कोविड में मर गए, मेरे खुद मोहल्ले में एक परिवार में 5-5 आदमी मरे हैं। और अगर इस पर कोई पुलिस वगैरह सब नहीं लगी तो आपको बताएं कभी भी वोटिंग 8,000 से ज़्यादा गई नहीं। 8,000 और भीड़ होती है, अदर धर्म के, अदर जात के अदर लोग आते हैं, सही माने वोटर तो 5,000 भी आने मुश्किल हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो इन्हें मालूम है कि कौन सा वोटर नहीं आया, कौन सा वोटर आया, और वैसा ही हो जाए। आर ओ भी इन्हीं का है, सब कुछ तो इन्हीं का है, तो क्या फिर वोटिंग क्या वो देख मतलब समझ लीजिए क्या होना है। देखिए, चौधरी परिवार की एक सबसे बड़ी मजबूती ये है कि क्योंकि उनके घर का मामला है तो इसलिए राघवेंद्रनाथ सिंह को काफ़ी प्रबल समर्थन मिलने की संभावना है। डॉक्टर सुशील सुन्हा पेशे से एक चिकित्सक हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है, एक डिसेंट व्यक्तित्व हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इस व्यस्त पेशे, इस डॉक्टरी के व्यस्त पेशे के बावजूद भी उन्होंने केपी ट्रस्ट में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए सोचा है। पिछली बार भी वो काफ़ी प्रबल प्रत्याशी रहे हैं, तो उम्मीद है जहाँ तक कि इस बार कायस्थ परिवार वो अपना निर्णय अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार किसी एक को देगा, और वो व्यक्ति सुशील सिन्हा भी हो सकते हैं और राघवेंद्रनाथ भी हो सकते हैं। ये अपनी अपनी व्यक्तिगत कायस्थों की च्वाइस है, अपना समर्थन है, अपना सपोर्ट है। 45 साल का इतिहास है, जब जब चौधरी परिवार से की लड़ाई किसी एक कैंडिडेट से हुई तो वो कैंडिडेट जीत गया, चौधरी परिवार हार गया। यही स्थिति इस बार भी होने जा रही है और यही डर है लोगों को, इसी वजह से किसी भी तरह से ये इनके इन पकड़े, कैसे उनकी संस्था समाप्त कर दी जाए, नोटिस पर नोटिस चल रही है। कोई ज्योतिषी थोड़ी है, जिसको जनता चाहेगी वो चुन के आएगा, जीत के आएगा। हम ज्योतिषी नहीं है, हम किसी पक्ष में नहीं, प्रतिनिधि हो गए, सब फ्री हैं, सब स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, और लोग भी स्वतंत्र हैं। चुनावी खर्च के सवाल कि करोड़ों रुपया लोग खर्च कर देते हैं चुनाव में, क्या इसकी रिकवरी हो पाती है? का उत्तर यही रहा है कि पदाधिकारी जाने। अब ये तो जो खर्च करता है उससे पूछिए जाके कैसे रिकवरी होती है। कमाते होंगे वहां से, और क्या होगी, और क्या होगी। देखिए, खर्च की रिकवरी का प्रश्न जहाँ तक है आपका, तो मैं समझता हूँ कि वो खर्च स्वेच्छा से किया जाता है, इस नीति और निर्णय से नहीं किया जाता कि उसकी रिकवरी हो। वो कायस्थ परिवार का जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी होता है, ये इसकी अपनी विलिंगनेस होती है, स्वैच्छिक उसकी इच्छा होती है कि हम अपने इस चुनाव को और शानदार बनाएं और जानदार बनाएं, और इसमें हम ऐसा कुछ विकल्प रखें कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कहा जाता है कि केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष चुनाव में प्रत्याशी इतना पैसा खर्च करते हैं कि जिसकी वापसी की कोई संभावना नहीं होती, तो फिर क्यों केपी ट्रस्ट को और लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाता है? अब आइए चलते हैं पिछले चुनाव के परिणाम पर नजर डालने। बीते चुनाव 2018 में चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह कुल 4,432 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर सुशील सिन्हा को 2,824 वोटों से पराजित किया। चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को कुल मतों के आधे से ज़्यादा मिले थे। डॉक्टर सुशील सिन्हा 1,598 मत पाकर दूसरे, कुमार नारायण 1,469 वोट के साथ तीसरे, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव 822 वोट के साथ चौथे पायदान पर रहे, कल्पना श्रीवास्तव 55 वोट के साथ पांचवें, दीपक कुमार 53 वोट पाकर छठे, रजनीकांत श्रीवास्तव 48 वोट के साथ सातवें, और डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव 6 वोट पाकर आठवें यानी आखिरी स्थान पर रहीं। इस बार चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि जब जब चौधरी परिवार के सामने विपक्ष का एक ही प्रत्याशी रहता है तब तब उसकी जीत होती है, जैसे पूर्व में केपी श्रीवास्तव और टीपी सिंह की जीत हो चुकी थी। इसी तर्क पर संयुक्त विपक्ष ने डॉक्टर सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है, और जिसमें बड़े बड़े कायस्थ नेताओं का समर्थन प्राप्त है।
केपी ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है, लेकिन बीजेपी से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, बीजेपी नेता माने जाने वाले चौधरी राघवेंद्र सिंह को अपना भाई बताते हुए उनके साथ हैं। तो कुमार नारायण, टीपी सिंह, जीपी श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, अमित श्रीवास्तव डॉक्टर सुशील सिन्हा के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि डॉक्टर सिन्हा मूलतः बीजेपी के सक्रिय नेता। इस तरह से आपने देखा कि केपी ट्रस्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट कहा जाता है, इसमें बड़े से बड़े लोग जुड़े रहे और अपना सराहनीय योगदान देकर इसे एशिया का बड़ा ट्रस्ट बनाया, जो अब राजनीति का शिकार हो गया है। 25 दिसंबर 2023 के बाद यह शोर अगले 5 सालों के लिए थम जाएगा, जो 2028 में सुनाई देगा। एक चीज नोटिस की गई कि कोई भी जिम्मेदार कायस्थ नेता केपी ट्रस्ट पर बोलने को नहीं तैयार होता है। कोई डर या अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, इसका पता तो बाद में ही चलेगा, लेकिन अभी केपी चुनाव चर्चा में है, जो देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर सेना बाजी पलट पाएंगे या फिर चौधरी परिवार का दबदबा बना रहेगा।